हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग आज के टाइम में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्रिप्टो कब बैन हो जाए उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी रिसेंट में बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी कि क्रिप्टो अब बैन होगा। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स थे, उसके साथ साथ गवर्नमेंट बैंक भी थे, जो अपने यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेज रहे थे कि आप क्रिप्टो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। SBI वाले थे जो वो अपने कस्टमर को भेज रहे थे कि आप क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे SDFC हो गया, ICICI हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स थे जो अपने कस्टमर को रोक रहे थे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने के लिए। और दोस्तों, ये लोग कस्टमर्स को रोकने के लिए RBI का एक पुराना नोटिफिकेशन आया था 2018 में, उसे सेंड कर रहे थे। तो इसको देखते हुए RBI ने एक फिर से जो है वो नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें सारी चीज़ें उसने क्लियर कर दी है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि RBI अभी क्यों क्रिप्टो को सपोर्ट किया, क्या सारी चीज़ें हैं, क्रिप्टो बैन हो सकता है या नहीं, इस वीडियो में सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी जो है बिना टाइम गवाए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली RBI की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसमें मई 31 को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। यहाँ पे ऑल कॉमर्शियल एंड कॉपरेटिव बैंक्स, पेटीएम बैंक्स का नाम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है, बिकॉज पेटीएम ने सीधे बोल दिया था कि हम क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, एकदम नो तो नो, ठीक है। उसके बाद अदर भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद से ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फॉर ट्रांजेक्शन इन वर्चुअल करेंसी, अब यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा एक जो है वो लिखा गया है। अब इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं सीरियस हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो यहां पे RBI ने बोला है कि बहुत सारे बैंक जो हैं उनका जो पुराना एक जो नोटिफिकेशन आया था, यहां पे सर्कुलर नंबर दिया गया है एंड डेट दी गई है 6 अप्रैल 2018 को, जो RBI का पुराना नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने क्रिप्टो को बैन के रिगार्डिंग बात करी थी, ठीक है। तो आज जो बैंक्स हैं वही सर्कुलर फॉरवर्ड करके एंड अपने कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि आप ट्रांजेक्शन मत करिए क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ में, अगर आप करेंगे तो आपका बैन हो जाएगा अकाउंट, ये सारी चीज़ें बैंक्स बोल रहे हैं। तो RBI ने इसे क्लैरिफाई किया है। RBI ने कहा है कि जो हमने नोटिफिकेशन निकाला था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो थी वो पिटिशन गई थी, एंड उसके बाद से 4 मार्च 2020 को उसके ऊपर ऑर्डर भी आ गया था, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप क्रिप्टो को जो है वो रेगुलेट करिए, ना कि उसको बैन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे RBI ने बैंक्स को बोला है कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ में वर्क करिए और हमारा पुराना नोटिफिकेशन मत दीजिए, बिकॉज उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। इसके अलावा RBI ने बोला है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसके बाद जो टेररिज्म को फाइनेंस ये लोग करते हैं यहाँ से, आप जो है उस चीज़ पे वर्क करिए, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, बट जो लोग नॉर्मल क्रिप्टो में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर मत रोक लगाइए, बिकॉज वो जो है वो लोगों के पैसे हैं ना कि आपके। आप जो है उनको मना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो मनी है वो लोगों का है ना कि आपका, ठीक है। तो ये मेनली RBI की तरफ से नोटिफिकेशन आया, जहाँ पे क्लियरली RBI जो है वो इन फेवर है क्रिप्टो के। और इसको एक चीज़ हम लोग और भी कह सकते हैं कि RBI यहाँ पे अपने जो डिसीज़न आई थी, जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीज़न आई थी उसके फेवर में, तो ये दो चीज़ें RBI इंडिकेट करना चाहता है यहाँ पे। और इससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये RBI का नोटिफिकेशन आ गया तो क्रिप्टो कभी बैन नहीं होगी। दोस्तों, अभी जो है RBI ने अपने एक पुराने स्टेटमेंट जो उनका नोटिफिकेशन आया था उस पर एक और नोटिफिकेशन निकाला है कि बैंक्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे क्रिप्टो जो है हो सकता है बैन भी हो जाए आने वाले टाइम में, हो सकता है कि उसके लिए कुछ नई रूल एंड रेगुलेशन भी आए, तो अभी कोई क्लियरली नहीं कह सकता है क्रिप्टो बैन होगा कि नहीं। हाँ, यहाँ पे एक जो अनसर्टेनिटी थी कि क्रिप्टो जो है बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन बैन हो गए थे, तो वो अभी फिलहाल में नहीं होने वाला है। अभी जो है फिर से सारे बैंक्स ट्रांजेक्शन शुरू कर देंगे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ में, और अभी जो है आपके दिमाग से ये डाउट निकल जाएगा कि अभी फिलहाल में क्रिप्टो बैन होने वाला है। अब दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा क्रिप्टो सेफ है, तो दोस्तों अगर इस पर पर्सनल मेरा ओपिनियन लिया जाए तो क्रिप्टो बिल्कुल भी नहीं सेफ है। क्रिप्टो में आप वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी जेब में से गिरने के बाद भी आपको दर्द ना हो, या फिर अगर आपके पैसे खो भी जाए तभी आपको कोई दर्द ना हो, वही पैसे आप क्रिप्टो में लगा सकते हैं, बिकॉज एक एक दिन में 30% 40% बढ़ जाती है, 40% जो है वो गिर जाता है, तो एक दिन में पैसे आपके आधे जो है कम हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने के भी जो है वो चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हो, बिगिनर हो, क्रिप्टो में पैसे लगाने का सोच रहे हैं, तो एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जो आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसीज को रिकमेंड किया हुआ है। रिकमेंड इन द सेंस कि अगर आप 100 रुपये 1000 रुपये लगाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें लगा सकते हो, वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो वो वीडियो आप यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और फिलहाल में जो RBI की तरफ से नोटिफिकेशन है उसमें यही सारी चीज़ें मेंशन है। यहाँ पे RBI एक फेवर करता दिख रहा है क्रिप्टो का, बट आने वाले टाइम
टाइम में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और एंड करने के साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हुई तो पता क्या करना, इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं दिवांश मिलता हूं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज दिवांश राय साइनिंग ऑफ।